राय विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता मोहनलाल बडोली ने यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर टिकोला गांव में यमुना बांध पर निरीक्षण किया। यहां पर किसानों ने जल कटाव को लेकर चिंता जताई, जिस पर भाजपा नेता मोहनलाल बडोली ने आश्वासन देते हुए कहा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जहाँ पर खतरे की आशंका है उन गाँवों को स्थानांतरित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहनलाल बडोली ने क्या कहा। तो यहाँ की स्थिति क्या है, कुछ आपने मुख्य मोहन देखो, हमारा तो जन्म यहीं जमुना के किनारे हुआ है और हम जब से पैदा हुए हैं ये हालात देखते रहते हैं और उस दर्द का भी हमें ज्ञान है कि जब हमारी भूमि का कटाव होता है, जब हमारे गाँव के लोगों को अपना सामान उठा के बांध के उस पार जाना पड़ता है, और हमें तो हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो समय भी देखा है जब 70 में बाढ़ आई थी तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय भी मैंने हालात देखे थे। बहुत भारी कष्ट होता है जब जल प्रवाह किसी की फसल में घुसता है या किसी के मकान में घुसता है, और मैं इसीलिए जैसे ही जानकारी हुई कि 8 लाख क्यूसिक पानी यमुना नदी में आएगा तो मैं अपने गाँव के बीच में आया हूँ, अपने गाँव के लोगों के साथ जो कठिनाई यहाँ है उसको देखा है और प्रशासन से भी हमने बात की है और प्रशासन भी यहाँ राउंड लेगा उस प्रकार की व्यवस्था जो सरकार ने करनी चाहिए। सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था हो रही है जी? सरकार की तरफ से भूमि का कटाव ना हो, बांध मजबूत रहे, जहाँ लगता है कि पानी बांध को क्रॉस कर जाएगा, बांध के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, तो जो एक ज़रूरी इंतजाम करने चाहिए वो सारे हमारे इस राय विधानसभा के साथ लगते गाँव मीमारपुर है, टिकोला है, जैनपुर है, मेहंदीपुर है, असदपुर नांदनौर है, बडोली है, गढ़मिरकपुर है, जाजल है, झुंडपुर है, मनोली टोकी है, खुरमपुर है, ये सारे गांव हमारे यमुना नदी के साथ लगते हैं। तो आज मैं सभी गांवों का इसीलिए मिलते हुए गांव से के लोगों से मिल रहा हूं कि भाई किसी प्रकार की परेशानी कोई महसूस ना करे, सरकार जनता के साथ खड़ी है, हमारी सरकार होने के नाते मैं आज जनता के बीच में खड़ा हूँ और किसी भी प्रकार की समस्या गांव वालों को नहीं आने देंगे। कौन कौन से गांव का दौरा किया आपने आज? आज मैं खुरमपुर में गया, मनोली टोकी में गया, अपना बडोली गांव देखा, गढ़मरिकपुर का देखा, तो पूरे गांव का करते हुए मैं अब यहां टिकोला मीमारपुर आया हूं। तो सारा स्थिति का जायज़ा लिया है और अभी किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन किसानों की जो हमारा भूमि कटाव है, बहुत सारे किसानों को अपने भूमि कटाव का दर्द है, तो अपना प्रयास रहेगा कि ये इस प्रकार के हालात फिर दोबारा से किसानों को देखने ना पड़े और पूरा इंतजाम करेंगे कि किसी किसान की भूमि का कटाव ना हो। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।